हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त महीने का 18 से 31 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, सो आपको क्या क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स प्राप्त होने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा लव लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आपको पिक कार्ड्स रीडिंग देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मेरे सेकंड चैनल ब्लू मून टैरोट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे रीडिंग्स मिल जाएंगे आपके मन पसंदीदा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपकी राशि पाइसिस हैं, यानी कि मीन राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। वाओ, सो फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देन टू ऑफ कप्स एंड देन द डेविल का कार्ड है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी में है, वो इंसान आपको किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको पाना चाहते हैं। वो इंसान अभी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनका एनर्जी इतना हाई है कि बॉटम द डेक में आ चुका है। ओके, ये इंसान आपके साथ ना शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं। आप इनके लिए इतने ज़्यादा खास बन चुके हो कि अभी आपके बिना इनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम ना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके तरफ। एंड साथ में आपको ये अपना जीवन का एक गोल बना कर रखे हैं, अभी किसी भी हालत में आपके मन को जीतना है, आपको जीतना है। फाइन, सो ये बॉटम द डेक का एनर्जी है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से एनर्जीज आए हैं। सो आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पर वर्ड साइन की एनर्जी, मतलब कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन की एनर्जी हाई है एंड साथ में आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। एंड बॉटम द डेक से एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। फाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 18 से 31 तारीख है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, अच्छा तो नहीं बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर ना कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत टाइम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातचीत नहीं हो रहा था, या फिर आप किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उनसे, तो उनके साथ आपका बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि फिज़िकली मुलाकात होती हुई दिख रही है, बातचीत स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड रीयूनियन का पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी तरीके से बन रही है। अगर किसी के साथ आपका पहले ब्रेकअप हो चुका था, या फिर मनमुटाव चल रहा था, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुआ था एंड आप उनके तरफ से माफ़ी के लिए बैठे हुए थे कि वो इंसान आएंगे, आपको मनाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो ऐसे चीज़ों के लिए मुझे दिख रही है 18 से 31 बहुत बढ़िया रहने वाला है। एंड डेफिनेटली आपके पास किसी के तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने वाला है। कोई इंसान खुद आपसे मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं अभी आपसे मिलने के लिए। वर्तमान की एनर्जी कुछ ऐसा ही दिख रही है। ओके, एंड 18 से 31 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में लव रोमांस की कमी आप एकदम से महसूस नहीं कर पाओगे, भर भर के दिख रही है मुझे। ये जो द डेविल का कार्ड है, ये पैशन को इंडिकेट कर रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए दिख रही है आप इंटीमेट कनेक्शन में जा सकते हो, कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आप अपने ब्यूटी को इतना ज़्यादा शो करोगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे कि एक से ज़्यादा इंसान आपके तरफ इस टाइम पर ऑफर लेकर चले आएंगे, या फिर एक से ज़्यादा इंसान इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फाइन, एंड यहाँ पर नाइन ऑफ कॉइन्स के थ्रू दिख रही हैं कुछ गुड न्यूज़, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कुछ एक्सपेंसिव ऑफ़र आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड जो भी इंसान आपके तरफ ये शादी का ऑफ़र या फिर बोल्ड कमिटमेंट रिलेशनशिप का ऑफ़र लाएंगे, या फिर कुछ जो भी अप्रोच लेकर आएंगे, वो इंसान बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आपको लेकर तो एकदम से श्योर है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके लाइफ में टेम्पररी घुसने वाले हैं, या फिर टेम्पररीली आपको चाहते हैं, अभी आपको मनाएंगे, आपसे कुछ दिनों बाद मूव ऑन कर जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, आपके हर्ट को दुखा देंगे, ऐसा कोई इंटेंशन या फिर मेंटलिटी इनके अंदर नहीं दिख रही है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं गाइस। ओके, तो आपके जो सोलमेट हैं, आपका जो ट्रू लव है, वो 18 से 31 के बीच में आपके लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों का ना मैरिज फिक्स होता हुआ दिख रहा है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी को अभी प्यार कर रहे हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो उनसे तो उनके साथ भी आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स था, थर्ड पार्टी इशू था, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से घटता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फाइन, यस, देखो
ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई इंसान आपके तरफ आ रहे हैं ऑफ़र माफ़ी लेकर या फिर कोई प्रपोज़ल लेकर, तो आप ठुकरा रहे हो या फिर आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रही हैं। आप भी इक्वली एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे। डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, कोई जान पहचान के इंसान ही आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई क्रश भी हो सकता है जिनको ऑलरेडी पता है कि एक्चुअल में कैसे हो। बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं एंड नोटिस करने के बाद, आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं 18 से 31 तारीख के बीच में। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि आप दोनों टक्कर के लवर बनने वाले हो, आप दोनों के बीच में टक्कर का रिलेशन क्रिएट होने वाला है। आप दोनों का लेवल सेम होती हुई दिख रही है, एज हो सकता है सेम हो, या फिर आप दोनों एक ही जगह पर जॉब करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, या फिर एक टाइप का बिजनेस में आप दोनों इन्वॉल्व हो, तो ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना सेम दिख रही हैं मुझे। या फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है, पहले एक दो बार हो चुका है। ओके, सो यस, देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या आ रहा है 18 से 31 तारीख के बीच में। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड जो लोग ऑलरेडी अभी शादीशुदा हैं ना, उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बना हुआ था, तो भी यहाँ पर चीज़ें हीलिंग की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड साथ में ही अगर वर्तमान में चीज़ें ओके हैं, तो 18 से 31 तारीख के बीच में चीज़ें और ज़्यादा सही होने वाला है। मतलब कि प्यार रोमांस आप सभी के लाइफ में, सभी मीन राशि वालों के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लव लाइफ के साइड से आप ब्लेस्ड होते हुए दिख रहे हो अपकमिंग डेज के लिए। एंड यहाँ पर है स्टार सीड। डेफिनेटली डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा ना साइकिक पावर्स हैं, आपके अंदर बहुत सारा एबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक स्पिरिचुअली पावरफुल अवेकन इंसान हो, तो आपके इंट्यूशन को इस टाइम पर डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। एंड आपको लविंग नेचर में रहना चाहिए, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आप एक हीलर हो, तो आपको इस टाइम पर ऐसे कुछ भी चीज़ें शो नहीं करना चाहिए अपने पर्सन को या फिर जो भी इंसान आपके तरफ आ रहे हैं उनको, ताकि वो इंसान आपसे दूर चला जाए या फिर से कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाए, या फिर आप ब्लॉकेजिंग कोई भी एनर्जी शो मत करना। इस टाइम पर आपको लविंग नेचर में रहना है एंड लव को स्प्रेड आउट करना है जितना हो सके। फाइन, सो यस, डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है। ओके, सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।